दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रेरणा करियर इंस्टीट्यूट पर। मैं टीसी नागिया आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप डिफेंस परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो यहां पर YouTube पर मैं आपको डिफेंस परीक्षा में चाहे NDA हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी क्लर्क हो, CDS हो, FKT हो, डिफेंस परीक्षाओं के लिए जो इंग्लिश ग्रामर आती है उसकी तैयारी मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास समय पर नोट्स और आपके पास सूचना और नोटिस पहुंचता रहे। और उसके बाद आपको मैं एक नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा जहां पर मैं नियमित रूप से आपके टॉपिक वाइज टेस्ट लूंगा और PDF वगैरह जो नोट्स के होंगे वो सारे वहां आपको उपलब्ध होंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि हमारा जो सिलेबस है, जो डिफेंस परीक्षाओं के चाहे NDA, एयरफोर्स, नेवी है, वहाँ पर इंग्लिश का सिलेबस क्या है, उस सिलेबस की अपने यहाँ पर बात करने वाले हैं। ओके, हमारा सिलेबस क्या है, इस सिलेबस की अपने यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सिलेबस की बात कर रहे हैं अपने, तो एक तो पहली यूनिट जो होती है इसमें इसमें पैसेज होते हैं। क्या होते हैं? पैसेज। पैसेज जो आपने 8th, 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़े थे वही पैसेज। और पैसेज के अलावा दोस्तों क्लोज टेस्ट भी होता है। क्लोज टेस्ट, ये क्लोज टेस्ट क्या होता है, ये दोस्तों पैसेज की तरह ही होता है। इसमें से बीच में से कुछ शब्दों को हटा दिया जाता है, फिर नीचे चार ऑप्शन देकर उन शब्दों को रखा जाता है। मतलब होता पैसेज ही है, बीच में इसके रिक्त स्थान होते हैं, कुछ ब्लैंक्स होते हैं जिनको अपने को फिल करना होता है। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन मान लो आप एक तरीके से इसको, ठीक है। ये यूनिट फर्स्ट में ये सब होता है, यूनिट फर्स्ट में। और जब अपने यूनिट सेकेंड पर पहुँचते हैं दोस्तों तो इसमें चार टॉपिक हैं। एक तो टॉपिक है टेंस, टेंसेस एक टॉपिक ये है, और एक टॉपिक है वर्ब, एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और चौथा टॉपिक है दोस्तों इसमें ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों ट्रांसलेशन नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन को अपने बोलते हैं रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब एफिर्मेटिव सेंटेंस से अपने को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव से एफिर्मेटिव बनाना है, या नेगेटिव से इंटेरोगेटिव बनाना है, या सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना है। इस तरह की जो है बातें ट्रांसफॉर्मेशन में आती हैं। तो ये टॉपिक सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं सिर्फ सिलेबस की डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पर कि अपने को डिफेंस में जाना है तो इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक अपने को पढ़ने हैं, सिर्फ उसकी बात मैं कर रहा हूँ। प्रत्येक टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊंगा। यूनिट नंबर तीसरी की बात करें दोस्तों, ये यूनिट नंबर फर्स्ट में तो पैसेज और क्लोज टेस्ट होता है, यूनिट नंबर सेकंड में टेंस, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यूनिट नंबर थर्ड की बात करें तो दोस्तों इसमें पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। एक तो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब कोई एक टॉपिक नहीं होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है आठ टॉपिक आते हैं इसमें। कौन कौन से टॉपिक होते हैं दोस्तों इसमें? नाउन होता है इसमें, और इसके अलावा प्रोनाउन होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन,
और इंटरजेक्शन। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 टॉपिक जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, यहां से एरर के क्वेश्चन हमारे बनेंगे। इसके अलावा दोस्तों तीसरी नंबर यूनिट में आती हैं हमारे पास स्पेलिंग रूल्स, मतलब चार स्पेलिंग दी जाएंगी, अपने को एक करेक्ट स्पेलिंग को ढूंढना होगा, या कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि चार स्पेलिंग होंगी, अपने को एक रॉन्ग स्पेलिंग को ढूंढना होता है। इसके अलावा इसी यूनिट में होते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड, कंफ्यूजिंग वर्ड। कंफ्यूजिंग वर्ड का मतलब जैसे लेट और लेटली में क्या फर्क है, हार्ड और हार्डली में क्या फर्क है, फर्दर और फार्दर में क्या फर्क है, इस तरह के कंफ्यूजिंग वर्ड यहां पर आते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें आता है अपना वन वर्ड, कौन सा टॉपिक, वन वर्ड। जैसे ये पूछा जाए ग्रुप ऑफ गर्ल्स क्या कहलाता है, बेबी। जैसे ये पूछा जाए ग्रुप ऑफ फिश क्या कहला जाता है, शोल। जैसे ये पूछा जाए ग्रुप ऑफ व्हेल्स क्या कहला जाएगा, स्कूल। तो इसे अपने बोलते हैं वन वर्ड, ये वन वर्ड भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस यूनिट में आता है वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में क्या होता है कि अपने को शब्द से एक नया शब्द बनाना है। जैसे एडजस्टमेंट, एडजस्ट है, एडजस्ट के साथ मेंट को जोड़ दिया जाए तो एडजस्टमेंट बन जाता है। जैसे ब्यूटीफुल है, इसके साथ फुल जोड़ दिया जाए तो ब्यूटीफुल बन जाता है, ये वर्ड फॉर्मेशन कहलाता है दोस्तों। इसके बाद हम यूनिट नंबर 4 पर पहुंचते हैं। दोस्तों यूनिट नंबर 4 में पूरी जो है वो ईडियम्स है। ईडियम्स कैसे, जैसे अपने बोलते हैं अक्लीज हील, मतलब वीक पॉइंट ऑफ वंस करेक्टर। जैसे अपने बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क, अ टास्क विच रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट्स, ये ईडियम्स होते हैं। ओके, और यूनिट नंबर 5 की बात करें दोस्तों तो इसमें अपने को पढ़ना है एक्टिव पैसिव। इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे, एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव जो है पांचवी नंबर यूनिट है, और जो सिक्स्थ नंबर यूनिट है दोस्तों वो है नरेशन। कौन सी यूनिट है, नरेशन, ये यूनिट नंबर 6 में है। बस इतना सा सिलेबस अपने को पढ़ना है और अपने एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी कलर्क, सीडीएस, एफकेट की तैयारी कर सकते हैं। और ये सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके नियमित रूप से टेस्ट भी होंगे, इसके नोट्स के पीडीएफ भी आपके पास प्रोवाइड हो जाएंगे। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए क्लास का कि किस समय क्लास चालू होगी। फिलहाल तो 7 से 8 का समय है और 11 तारीख से अपने को ये क्लास शुरू करनी है। 11 तारीख से सुबह 7 बजे से 8 बजे तक ये क्लास चलेगी और कंटिन्यू चलेगी। बीच में अगर मान लो किसी दिन कोई छुट्टी रहेगी तो मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, प्रेरणा करियर इंस्टीट्यूट नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहेगी। तो अगर आप वास्तव में दिल से तैयारी करना चाहते हैं तो मिशन देश सेवा हमने शुरू किया है, इसके तहत इंग्लिश से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम्स मैं दूर करने वाला हूँ, आपकी कोई प्रॉब्लम्स इसमें नहीं आएगी। और जब आप एयरफोर्स रिटन टेस्ट पास कर लेंगे तो मैं आपको जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन की तैयारी भी यहीं पर करवाऊंगा। तो दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और आपके जो दोस्त जो भी मिशन देश सेवा से जुड़ना चाहते हैं, जो भी डिफेंस सेवा में जानना चाहते हैं, अगर उनकी समस्या अंग्रेजी है तो आज से ये मुझ पर छोड़ दीजिएगा, आज से आपकी अंग्रेजी की कोई समस्या नहीं होगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तैयार रहिए, 11 तारीख से अपने इसको पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, नमस्कार।